मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब एक ऐसा फीचर लेकर आया है जो आपका समय तो बचाएगा ही, साथ ही आपको मैसेज करने में मेहनत भी कम लगेगी। दरअसल इस फीचर की मदद से अब व्हाट्सएप यूजर्स अपने वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में बदल सकेंगे। इससे यूजर्स के लिए मैसेज टाइप करने का झंझट तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही अगर वॉइस मैसेज आता है तो उसे रिसीव करने वाले के लिए भी आसानी होगी। उसे मैसेज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो उसे पढ़ सकेगा। वाबेटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने हाल ही में अभी इस फीचर को कुछ iOS यूजर्स के लिए ही रोल आउट किया है। व्हाट्सएप की ओर से इस नए फीचर को वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट नाम दिया गया है। नए फीचर में अगर कोई वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर आता है तो उसे अंग्रेजी टेक्स्ट में बदल कर पढ़ा जा सकता है। फिलहाल ये फीचर कुछ चुनिंदा iOS बीटा टेस्ट के लिए उपलब्ध कराया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर अन्य यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। फिलहाल जिन यूजर्स को ये फीचर मिल रहा है उन्हें व्हाट्सएप सेटिंग में जाकर इसे चुनना होगा। इसके लिए पहले व्हाट्सएप सेटिंग में जाएं और फिर व्हाट्सएप के चैट के विकल्प को चुने। यहाँ वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट को सेलेक्ट करना होगा। नया फीचर भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड के तहत है। इस कारण से मैसेज ट्रांसक्रिप्ट केवल iOS 16 पर कुछ यूजर्स के लिए ही अभी उपलब्ध है। व्हाट्सएप का नया फीचर यूजर्स को मैसेज के अंदर कोई खास जानकारी या फिर बात खोजने की भी अनुमति देता है। यानी आप वॉइस नोट के जरिए मैसेज में सर्च भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई यूजर लंबे वॉइस नोट में कुछ जानकारी ढूंढ रहा है या उन्हें याद नहीं आ रहा कि किस वॉइस नोट में वो सामग्री है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, तो वो सर्च बार का उपयोग करके उस कीवर्ड या बातचीत का अंश उसमें डालकर आसानी से खोज सकते हैं। तो है ना ये व्हाट्सएप का एक शानदार फीचर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लुकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।